अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमने जो कहानी पढ़नी है वो है कुर्तुबा का काजी सैयद इम्तियाज अली ताज। हमारी आज की जो कहानी है ये एक ड्रामा है। हमने इससे पहले कौन सा ड्रामा पढ़ा था? पीछे हमने एक और ड्रामा जिसमें सीन है, पर्दा गिरता है, डॉक्टर बुरहान आता है और जैदी साहब है, मिसेज जैदी है। दस्तक हमने शायद जहन में आया कि वो कि हम इससे पहले भी एक मिर्जा अदीब का दस्तक पढ़ चुके हैं। अब हमारे निसाब की कहानी कुर्तबा का काजी, ये एक ड्रामा है जो ड्रामा निगार सैयद इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। सैयद इम्तियाज अली ताज के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाती चलूँ। इम्तियाज अली ताज उर्दू ड्रामा नवीसी में बहुत अहम मुकाम रखते हैं। ड्रामा निगारी में इनका अजीम शाहकार अनारकलिया, लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, उसको थोड़ा सा अफसानवी और ड्रामाई अंदाज में पेश करके अनारकली जो था इम्तियाज अली ताज का एक बहुत खूबसूरत ड्रामा था जो फिल्माया भी गया है और बड़ी हद तक उसको सोसाइटी में वो मुकाम मिला। और ऐसा है कि इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत बना। इम्तियाज अली ताज की वजह शोहरत जो थी वो उर्दू ड्रामा नवीसी में है। ड्रामा निगारी में इनका अजीम शाहकार अनारकली तो है जिसे उन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में लिखा और जिसे उर्दू ड्रामों का ताज कहा जाता है। यानी आपने अपनी उम्र के 22 साल हो और इंसान एक इतना पुख्ता और अच्छा ड्रामा जो है उसको तख्लीक कर दे। और इस ड्रामे के जरिए उन्होंने शहजादा सलीम और अनारकली की रवायती दास्तान मोहब्बत को गैर फानी बना दिया। फानी होता है जो मिट जाती है, गैर फानी बना दिया कि लोग आज भी अनारकली और सलीम की मोहब्बत को नहीं भूले। इसके अलावा इम्तियाज अली ताज ने यकबाबी ड्रामा और रेडियाई ड्रामे लिखे और उनकी तकनीक को संवारा और अहम किरदार अदा किया। अब यकबाबी ड्रामा ये आपको बताती चलूँ कि ड्रामे की मुख्तलिफ किस्में हैं, यकबाबी, दो बाबी, सहबाबी ड्रामा, फिर रेडियाई। आज आप कुछ ड्रामे आप स्टेज ड्रामे देखते हैं, फिर आप थोड़ा आगे चलिए तो आपको टीवी पे ड्रामे नजर आते हैं, तो ये रेडियाई ड्रामे हैं। फिर आप पढ़ने की हद तक और रेडियो पे भी ड्रामे लिखे जाते हैं और रेडियो के लिए भी ड्रामे लिखे हर ड्रामे की। देखिए जब आप ड्रामा टीवी पे देखते हैं तो उसकी नौत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसमें आपको ना सिर्फ ये किरदारों की ड्रेसिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स, ये सब नज़र आनी चाहिए। जब आप एक ड्रामे को नावल की शक्ल में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हुए वो तासुरात अपने जहन में लाते हैं। लिखने वाले की लफाजी ऐसी होनी चाहिए पर जो किताब की शक्ल में है उसकी लफाजी पे जोर है, लेकिन जो ड्रामा आपको टीवी पे देखते हैं उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। अब रेडियो जो है, रेडियो में ना तो आप पढ़ रहे हैं ना देख रहे हैं, रेडियो में आपकी सुनने की जो खसूसियत है वो काम आती है। तो रेडियो पे जो ड्रामा किया जाता है उसमें बोलने वाले की आवाज का उतार चढ़ाव, शगुफ्तगी, जुबान, सादगी, उसका लहजा, लगो लहजा। हमारे यहाँ अगर आप टीवी पे सॉरी रेडियो पे देखें तो आपको अंकल जेदी के जो अतहर शाह है उनके ड्रामे बड़े अच्छे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पेश किए। उनकी जुबान, उनकी गुफ्तगू, उनका उतार चढ़ाव, देखिए आपको गुस्सा है तो आपकी आवाज़ वैसी होनी चाहिए, अगर रुमानियत है तो आपकी आवाज़ में धीमापन और मोहब्बत की शिरीनी होनी चाहिए, अगर माँ है तो ममता। अब ये बड़ा मुश्किल काम है जो रेडियो के लिए ड्रामा लिखा जाता है। उसमें आपने सारा जो है अक्स वो अपनी गुफ्तगू के जरिए सामईन के कानों तक उंडेलना है। तो इम्तियाज अली ताज को ड्रामे के फन का शऊर था, यानी उनको पता था कि ड्रामा किस तरह और कैसे जो है वो लिखा जाएगा। तो ये उनके ड्रामे खा वो मजाहिया हों खा अलमिया, देखिए ड्रामे की भी किस्म है। आप टीवी पे देखते हैं तो आपको बाजू का तो मजाहिया, जैसे आप शोखियाँ या बुलबुलें या इस तरह के देखते हैं तो उसमें आपको मजाहिया अंदाज मिलता है। फिर आप थोड़ा सा हटके चलिए तो आपको कुछ देहाती जिंदगी का अक्स मिलता है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़िए तो आप लोगों को रोमानियत, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत,
जिस तरह टीवी पे ड्रामा देख के, तो बाज़ुकात एक मसला, जैसे आजकल एक ड्रामा नन चल रहा है, उसमें एक करेक्टर को उन्होंने विजुलाइज किया है। जो नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं या पुराने हैं या मासूमियत पे हैं, घरेलू झगड़ों पे हैं या हवस पे हैं या अजदवाजी जिंदगी पे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज पे आ जाते हैं। तो ड्रामा के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी तकनीकी महारत और ज़ुबान बयान पर कुदरत हासिल हो और लिखने वाला उसके आला नमूने पेश करे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? जी अजीज तालिबात, आपको समझ आ रहा है? जी ऐसा तो नहीं कि मैं बोलती चली जा रही हूं और आपके सर पे से गुजर रहा हो? मिस। ड्रामे के फन का समझ आ रहा है कि ड्रामा क्या है, किस किस कैटेगरीज का है और किस ड्रामे के लिए किस चीज़ की जरूरत है? तो हम यहाँ बात कर रहे थे इम्तियाज अली ताज की। इम्तियाज अली ताज को ड्रामे का फन के बारे में और उसकी तकनीक के बारे में पता है। वो जिंदगी की झगड़े हों या जिंदगी के का टकराव हो, माशरे के तजादात हैं, अमीरी गरीबी है या फितरत और रिवायात है। बाज ड्रामे आपको नजर आते हैं कि वो रिवायात पे होते हैं, वनी कर देते हैं, जिस तरह खवातीन के बहुत से बाल वरासत पे हैं, तरके पे हैं। तो ये बहुत सारे मामला हैं। तो इन्होंने अपने ड्रामों का मौजू बनाया और उनके मुकाल में, अब देखिए एक तो ड्रामा ड्रामा लिखना, उसके बाद आ जाते हैं किरदार। किरदार जो है वो क्या बोलते हैं? वो मुकालमे, मुकालमे जो है वो बर्जस्ता हो, रवा हो, शगुफ्ता हो। अगर कोई किरदार को अपने मुकालमे ही भूल जाते हैं, या वो मुकालमा तो बोल रहा है दुख का और उसके चेहरे पे हंसी है, तो वो भी एक बेकार चीज है। या अगर हंसी का मौका है और ऐसा किरदार हो जिसका मुंह ही लटका रहे, तो वो भी वो इफेक्ट नहीं छोड़ता। तो ये जो है इम्तियाज अली ताज, इनके किरदार जिंदगी के जीते जागते किरदार मालूम, ये मुर्दा किरदारों से नहीं अदाकारी करवाते। और इनकी, अब देखिए एक मुकालमा हो गया, दूसरा किरदार, तीसरी चीज है मंजर निगार। इनके ड्रामों को हकीकत से करीब कर देती। मंजर निगारी क्या है कि आप देखें सुबह का मंजर है, आप निखरी निखरी सुबह दिखाएं, घर के अंदर तिलावत है, माँ खाना बना रही है या नाश्ता बना रही है या टेबल लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सुबह का टाइम है और आप अंधेरा दिखा दें या सारे घर से जो है भागते दौड़ते। सुबह के वक्त हर कोई हसल बसल में तो होगा, लेकिन वो एक मुख्तलिफ सी चहल पहल होती है। रात को जब घर में सब होते हैं थके थके रेस्ट के, आप देखिए किरदार, आप ड्रामा देखते हैं तो आप देखते हैं जो सुबह जा रहा होता है वो बड़ा फ्रेश मूड में दिखाते हैं, ये ऑफिस जा रहा है या काम पे जा रही है या कहीं पे भी जॉब पे। लेकिन जब उनका अगला सीन दिखाते हैं, ये थके हुए आते ही कॉफी मांगना, यानी वो इम्प्रेशन देना बहुत जरूरी है। आप जिस चीज को एक्ट कर रहे होते हैं ना, उस चीज को वाजे करना बड़ा जरूरी है। बच्चा है तो वैसे उसका रोल दिखाएंगे। तो ये इम्तियाज अली ताज के फन की एक खसूसियत है। उसके अलावा इम्तियाज अली ताज के बारे में अगर हम कहें, तो उन्होंने तबाजात ड्रामे लिखने के अलावा अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबान के ड्रामों का तर्जुमा भी हुआ। तबाजात जो होते हैं कि जिसमें आपने कहीं से कुछ नहीं लिया, कहानी नहीं ली, आइडिया नहीं लिया, आपने खुद से लिखा, तो वो होते हैं तबाजात। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें आप फ्रांसीसियों से या अंग्रेजों से कुछ ना कुछ वजह से, शेक्सपियर है, रोमियो जूलियट है, आपके यहाँ हीर रांझा है, ससिम, यानी कुछ किरदार कुछ वाकया, तो आप सोच फिक्र वहां से ले लेते हैं, बोल्डनेस वहां से ले लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस वहां से, खुद एतमादी वहां से ले लेते हो। तो इन ड्रामों की नुमाया कर आजकल, जैसे आप तो वो अर्तुगल गाजी का देख रहे हैं, तो आपके इनमें होगा कि वो क्या है, वो खिलाफत उस्मानिया है, तुर्कों की जो खिलाफत उस्मानिया का दौर है। आप टीवी अक्सर आप लोगों ने तो कर नहीं देखे नसीम हिजाजी के शाहीन और ऐसे ड्रामे जिनमें उन्होंने आपकी तारीख को बताया, तारीखी कारनामे बताए। तो ये एक पुरानी दास्तान है, आपको बताया जा रहा है कि खुलफा के दौर में क्या था, कैसे जंगें हुई, कैसे कबीले थे, क्या क्या, ये सारी बातें। तो ये एक खूबी है इम्तियाज अली ताज की कि उन्होंने इन ड्रामों को उर्दू में डालते हुए माहौल और नाम वगैरह सभी कुछ तब्दील करके उन्हें मशरकी माहौल। बेटा माइक म्यूट कीजिए साजिदा।
जी तो उन्होंने अगर वहां से लिए हैं तो ये नहीं है कि जी मोनालिजा का नाम लिया है तो मोनालिजा को आपके पंजाब के देहातों में वो लाचा पहना के नचा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर सोच उधर की है, फिक्र उधर का है, तो उसको लिबास आप मशरकी पहनाएंगे, माहौल मशरकी होगा। ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह का सीन दिखाया जाए तो वो पैंट जीन्स पहनी है या वो क्रिश्चियंस का ड्रेस पहना, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ चीजें लेते हैं लेकिन उसको माहौल में डाल देते हैं, और ये खूबी इम्तियाज अली ताज के नुमाया थी कि वो मशरकी माहौल में और उनके तर्जमा शुदा ड्रामों को अपने माहौल की अक्कासी मालूम होती है, और हम इनमें दिलचस्पी का आंसर बदर्जा उत्तम पाते हैं, यानी सबसे आला दर्जे की दिलचस्पी नजर आती है। अब हम बात करते हैं, ये तो इम्तियाज अली ताज साहब के मुकालमे, किरदार, मंजर निगारी, उनके तर्जुमा किए हुए ड्रामों का था। हम शामिल निसाब ड्रामा जो है कुर्तबा का काजी, उनका एक ऐसा ही ड्रामा है जो दरअसल लॉरेंस हाउसमैन के एक ड्रामे का तर्जुमा है, यानी इंग्लिश ड्रामे का तर्जुमा है, लेकिन इम्तियाज अली ताज ने अपने अस्लूब तहरीर से काम लेते हुए इसे उंदलस की सरजमीन का एक ऐसा वाकया बना दिया है जो जहीन से जहीन कारी को भी नहीं खटकता। यानी आप कितने अकलमंद हो, कितना आपको पता हो, आपको ये चीज बुरी नहीं लगेगी कि ये किसी का तर्जुमा है या उन्होंने उधर से ढाला है। तो उन्होंने कहा कि कारी को इसमें कोई भी झोल नजर नहीं आएगा, कारी पढ़ने वाला। और बुनियादी तौर पर तर्जुमा होने के बावजूद कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज अली ताज के फन की बड़ी गहरी छाप है। यानी आप ये पढ़ेंगे, आपको किरदार नजर आएंगे, तो हमें ये चीजें नजर आएंगी, आपको मुकालमों की बर्जस्तगी, रवानी और शगुफ्तगी के अलावा किरदारों के जज्बात और एहसास की अक्कासी और वाकयात व माहौल की जानदार तस्वीर कशी के बारिश। ये ड्रामा एक ऐसा ड्रामा नजर आता है जो अपने तासुर, तकनीक और फनी कमाल की वजह से नहायत, यानी ऐसा नहीं है कि जो मुकालमे बोले जा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे, या किरदार के जज्बात एहसास क्या है वो पता नहीं चल रहा, या माहौल जामद है, वो एक अच्छी सारी चीज़ों की तस्वीर कशी करते हैं। और इसी वजह से कि वो ड्रामे के हर चीज़ का एक फन, और ऐसा नहीं है जब आप आटा गूंथते हैं तो आप आटे को पानी में नहीं डालते, आप पानी को आटे में डाल, समझ आ रही है ना, चीजें तो दोनों है, इसमें क्या फर्क है। आपको पता होना चाहिए किस चीज को, किस मुकालमे को कहाँ बोलना है, किस किरदार ने कहाँ एक्सप्रेशन देने हैं, किस किरदार की माँ है तो ममता नजर आनी चाहिए, काजी है तो उसके उसूल नजर आने चाहिए, बेटा है तो उसकी फरमाबरदारी नजर आनी चाहिए। ये तमाम चीजें आपको इस ड्रामे में बड़ी आला दर्जे की नजर आएगी। जी प्यारे बच्चों, अब आपको ड्रामा, ड्रामे का फन और इम्तियाज अली ताज की खसूसियत का थोड़ा सा अंदाजा हो गया। से यस और नो? हेलो जी, कुछ समझ आया? अब हम स्टार्ट करते हैं इम्तियाज अली ताज का ड्रामा कुर्तबा का काजी। अब देखिए कि इम्तियाज अली ताज 1900 से 1970, 1900 इनकी तारीख पैदाइश और 1970 इनकी तारीख वफात, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कुर्तबा का काजी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया लॉरेंस हाउसमैन, ये उसका ड्रामा का तर्जुमा है। अब यहाँ आपको किरदार नजर आ रहे हैं काजी याहिया बिन मंसूर जुबैर, काजी का फर्जंद, काजी का बेटा। आगे चलिए हलावा, हलावा कौन है? हलावा है जुबैर की दाया। आपको पता है कि अरबों में और उसमें जिस वक्त अब मेन किरदार आ गया काजी जुबैर एंड हलावा अब्दुल्ला, एक खानाजाद, खानाजाद आपको पता है कि महलों में और इन जगहों पे जो इनके खिदमात के लिए, आजकल तो आप मेड कह देते हैं, मुलाजमा कह देते हैं, मासी कह देते हैं, तब मर्दान खाने में होते थे, बल्कि बाज जनान खानों में भी वो मर्द होते थे जिनको आप गेज बोलते हैं, ख्वाजा सरा बोलते हैं। तो ये खानाजाद नाजिर अदालत के चार अफसर। अब मंजर क्या है कि एक अदालत के चार अफसर हैं और मंजर हजूम की आवाज़ है। अब ये चार चीज़ें हैं, जुबैर, जुबैर की दाया, अलावा और अब्दुल्ला और काजी, ये चार लोग हैं और चार ही पुलिस ऑफिसर हैं। बाहर से शोर आ रहा है, ये है मंजर।
غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان جس کے دریچوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے دریچہ جو ہے قرطبہ قرڈوبا یعنی اندلس اسپین کا مشہور شہر غرناطہ اور اس کا قاضی کا مکان ہے. یہ قرطبہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو قرطبہ کا قاضی کہ اندلس جس کو آج اسپین بولا جاتا ہے, اسپین کا مشہور شہر ہے قرطبہ. خانہ زاد گھر کا پیدا شدہ غلام. خانہ زاد خانہ کہتے ہیں گھر, زاد پیدا کیا یعنی گھر کا پیدا شدہ غلام کون سا ہوگا؟ کنیز یا لانڈی کا بیٹا. پہلے سے ان کی ایک ملازمہ چلی آ رہی تھی, اس کا جو بیٹا ہوا وہ بھی ان کا ملازم ہو گیا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ منصور کے مکان کا ایک ایوان, ایوان کے معنی ہے محل, کہ قاضی کے گھر کا ایک محل ہے جس کے دریچے کھڑکیاں دریچوں میں سے شہر کے چوک پر, ایک مکان ہے اور مکان کی کھڑکیوں پہ سے شہر کے چوک پر نظر پڑتی ہے. دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ, یعنی اگر اس آپ ونڈو کے دائیں طرف دیکھیں تو ایک بڑا سا بڑی سی کھڑکی نظر آتی ہے. اب یہ سارا منظر ہے, یہ آپ کو منظر کشی کی ہے انہوں نے کہ وہ ایک دریچہ ہے. سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ. آپ ایوان میں کھڑے ہیں, کھڑکیاں ہیں, دائیں طرف بڑا سا دریچہ ہے, سامنے ایک دیوار ہے, لیکن وہاں ایک دروازہ لگا ہوا ہے اور وہ دروازہ کیا ہے, تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے, جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے. گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ جس میں سلاخیں لگی ہیں, یعنی وہ آگے دروازے سے جائیں تو ایک گلی ہے, گلی کے آگے سلاخیں لگی ہیں. بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ اور بائیں طرف پتھروں سے بنی ہوئی سیڑھی ہے. زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو. اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچا ہے اور اب یہ پہلے تو ہم نیچے گئے ہیں, پھر ایک سیڑھی ہے بائیں طرف, پھر آپ ادھر چڑھ کے کمرے میں گئے ہیں. اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے, یعنی اوپر کا جو کمرہ ہے اس کی کھڑکی محل کے اندر کھلتی ہے. ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمع دان رکھا ہے, میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں. دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں. اب یہ جو فکرہ ہے کہ منظر میں دیکھیے, ڈراما نگار کبھی وہ چیز پیش نہیں کرتا جس کو اس نے دکھا. اب بات ہوئی اسلحے کی اور جانور, اس کا مطلب ہے کہ شکار کے شوقین ہیں اور وہ شکار بھی کرتے ہیں اور جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں. تو صبح کے دھندلے کے یعنی جب صبح نکلتی ہے اندھیرا جاتا ہے, حلاوا بینچ پر بیٹھے ہیں, سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے. عبداللہ دروازے سے اندر آتا ہے. یعنی اب سین کیا ہے کہ یہ سارا بتا دیا, گھر ہے, کمرہ ہے, سیڑھیاں ہیں, ایوان میں وہاں حلاوا بیٹھی ہے اور عبداللہ آتا ہے. عبداللہ آپ کے علم ہے کہ کون تھا؟ عبداللہ اس کا بیٹا تھا. عبداللہ بھاری آواز, اب یہ نہیں کہ وہ کہ اس نے بڑے بھاری آواز میں کہا شمع گل کر دوں, حلاوا آہز کر دے, شمع صبح کے آنے کو روک نہیں مل سکتا. آپ اس نے کہا کہ شمع تب گل ہوتی ہے جب دن نکلتا ہے. اس نے کہا ہاں کر دو, کیونکہ اگر تم جلائے رکھو گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح نہ ہو. عبداللہ پھونکے مار کر شمع دان کی تین شمع گل کرتا ہے, یعنی گل کرتا ہے, بجھا دیتا ہے. کیسی اب آپ دیکھیں کیسی کالی صبح, صبح کے آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فجائیہ یا ندائیہ کی علامت. ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ آپ کے جذبات, آپ کے احساسات کے ذکر پہ ہم فجائیہ یا ندائیہ. یہاں آپ کو بریکٹس بھی نظر آ گئے, پھر سوال, یہاں آپ کو رموز اور اوقاف نظر آ رہے ہیں, اس کو توجہ سے دیکھیے. کیسی کالی صبح میرے رب, کیسی کالی صبح. عبداللہ کالی اندھوں کے لیے, ان بدفالوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکال دیں. کہتے ہیں کہ فرحان کا منہ تو بڑی نحوست ہے, منحوس, نامبارک بات نکال دیں. کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منہ سے غلط باتیں نکالتے ہیں, بدفان نکالتے ہیں, بری باتیں نکالتے ہیں, برا شگن ہے. پر رب العالمین کے لیے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں, تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے. اب وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے اندھے ہو گئے ہیں, کچھ کی آنکھیں باقی ہیں.
हलावा इसकी परवाह नहीं करती, इस सुबह देखने को मैं जिंदा क्यों रह गई जिसके दूध की धारों ने उसे जान बख्शी। अब आपके इल्म में है कि जो मुलाजमा या लॉन्ड्री रखी जाती थी उसका काम होता था कि वो जिस बच्चे के लिए रखी गई है उसकी तरबियत भी करती है, और अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे को पालने के लिए देहाती इलाकों में खवातीन के हवाले कर दिया जाता था जो उसको दूध पिलाती थी और उसकी तरबियत करती थी, इस तरह वो उनकी रजाई वालदा कहलाती थी। तो अब हलावा ने चूंकि उसको अपना दूध पिलाया है और अब उसको दुख है, उसकी कैफियत एक माँ की सी है, वो बता रही है कि मैं ये सुबह क्यों देख रही हूँ। अब ये अभी सिर्फ मंजर है, आगे पता चलेगा कि क्या मसला क्या चल रहा है कि जिसके दूध की धारों ने उसे जान बख्शी थी। इलाही 3 दिन का था जब बेगम ने आंखें बंद की, यानी जब उसकी वालदा वफात पा गई तो ये बच्चा 3 दिन का था, सिर्फ 3 दिन का। तब मैंने मेरे सिवा दूध किसके था, इसे दूध दिया और जिंदगी दी, और मेरे रब आज का दिन तमाम होने पर मेरा नाल क्या होगा। अब जो ये बात कह रही है क्योंकि जिस औरत के अल्लाह ताला औलाद देता है उसी को अल्लाह ताला ये ताकत देता है कि वो दूसरे बच्चे को दूध पिला सकती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही कामला है, तो उसने कुदरत का एक निज़ाम रखा है कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही वालदा उसको दूध पिलाने की काबिल होती है और जब तक उसकी मुद्दत होती है वो पिला सकती है। तो कहा कि मुझे ही अल्लाह ने अगर ये शर्त दिया था, लेकिन आज जब ये दिन खत्म होगा तो मेरा लाल मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, अब्दुल्ला जिंदा होगा और क्या होगा। अब अब्दुल्ला जो खाना ज़्यादा है वो कह रहा है कि जिंदा रहेगा और क्या होगा, उम्र पाएगा और रब्बुल आलमीन के फजल व करम से तुझे और मुझे हम दोनों के कब्र के शिगाफ में पाए। अब वो इस बात को नहीं कबूल कर रहा कि वो मर जाएगा, उसने कहा नहीं, कब्र का जो बिगड़ा है उसमें तुम्हें और मुझे दोनों को ही उतारेगा, यानी हमारे मरने तक वो हमारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसको आज कुछ हो जाएगा, यानी वो भी इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा। थकान की एक आह के साथ है, अब उसको थकन है, थक चुका है, आ भरता है और बैठ जाता है। हलावा मेरे सीने में इसके होंठों और जबड़ों की लज्जत अभी ताज़ा है, वो शेर के बच्चे की तरह इससे दूध खींचता था, अपने 12 बच्चों को दूध पिलाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरीस वही था, और फिर कैसा बेबाक नौजवान बन गया, देखती तो जी चाहता कुर्बान हो जाऊं उसके जिस्म में खून जो अपना था, तो परवरदिगार आज सूली पर उसकी लाश लटकती रह जाएगी। और वो सारी बातें बताती है कि किस तरह मेरे इतने बच्चे हैं, लेकिन मुझे जो प्यार जो मोहब्बत उससे है वो बचपन से ही बड़ा बहादुर था, लेकिन आज क्या वो सूली पर लटक जाएगा, सूली यानी फांसी पर लटक। अब्दुल्ला बेकाबू निश्तर जुबान, यह हरगिज ना होगा। अब वो उसको भी तकलीफ होती है और वो तड़पता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हरीस के बारे में लालची, निश्तर जुबान, निश्तर कहते हैं निश्तर या तेज धार चाकू जैसी जुबान वाली। अब निश्तर जुबान यह हरगिज ना कि तुम्हारी जुबान चाकू की तरह तेज चल रही है, तकलीफ देने वाली बातें कह रही हो, ऐसा नहीं होगा, घुटने से सर उठाकर आ भरती है। अब चारा क्या रह गया है, कहा कि अब क्या इलाज रह गया, अब तो बात खत्म होने वाली है। अब्दुल्ला सारे कुर्तबा में एक शख्स नहीं जो किसी को से भी उसे सूली पर चढ़ाए, हाँ उसके बाप अपने बाप का फतवा, चूंकि वो काजी था, काजी का फतवा जो है वो माना जाता था, उसने कहा कि पूरे कुर्तबा में किसी को ये जरूरत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको फांसी पर चढ़ा। अब चूंकि उसका कुर्तबा का काजी वो कुर्तबा का काजी था, उसने फैसला दिया उसके जुर्म की सजा में कि इसको फांसी चढ़ा दो, आज फांसी का दिन है और कोई उसको फांसी देना नहीं चाहता। हलावा बाप काजी है। अब्दुल्ला कहा जो कि इसके फतवे पर अमल ना हो, तो उसे कहा कि बाप उसका काजी है, कहा मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि उसके बाप के फतवे पर को कोई भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, इसलिए स्क्रीन पे देखिए बेटे। अब वो कहती है कि क्यों नहीं मानेगा, अलावा बाहर से लोग बुला लिए जाएंगे, उसने कहा अगर कोई शहर से नहीं करेगा तो बाहर से बुला लेंगे, क्यों बुला लेंगे, जो इसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम जानते हैं, उन्हें कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे। अलावा कहती है कि अगर हम उसको जानते हैं कि वो अच्छा है या फलां है तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन
बाहर से कुछ ऐसे लोग बुला लिए जाएंगे जो क्या करेंगे, उसके बाप की बात को मान लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा तो उसको फांसी देने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए तो उसके बाप की बात को मानने के लिए दूसरी जगह से लोग बुला लिए जाएंगे। अब्दुल्ला चिढ़कर, मैं बक जो रहा हूं नहीं करेंगे। आज के दिन सिर्फ शहर में वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा किसी नौजवान जुबैर की सजा से कुछ सरोकार न हो। उसने कहा, मैं जो कह रहा हूँ कि आज शहर में सिर्फ वो लोग आएंगे जो ये कसम खाएंगे कि हमें इसकी सजा से कोई लेना देना नहीं। समझी कूड़ मगज, हमारे आदमी तमाम रास्तों पर फैल चुके, एक एक नाके को रोक चुके। जिस शख्स ने कसम ना खाई कि जुबैर का खून उसके दोष पर ना होगा, दोष पर ना होगा, कंधों पर ना होगा, दोष कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसके जिम्मे ना होगा। उसने कहा कि हमने अपनी नाकों पे लगा दिए, कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा, तो अंदर ना घुसने पाएगा। और यही जवाब काजी के हुक्म पर खुद उसको दिया जाएगा, और जब काजी उसको हुक्म देगा तो उसको भी वो लोग यही कहेंगे। वो कानून का गुलाम हो क्या सुल्तान का, आज के दिन इसके फतवे की तामील ना होने पाए। कहा चाहे काजी का गुलाम हो चाहे हुकूमत का गुलाम हो, आज के दिन उसके इस फतवे को कोई भी नहीं मानेगा। हलावा, लेकिन अहमक होनी को कौन रोक सकता है। जी बेटा, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। मेरी यही आंखें नहीं जिन्हें आंसुओं ने बेनूर कर दिया, मेरी और आंखें हैं जो देख सकती हैं और जो देख चुकी हैं सूली और उससे लटकती हुई लाश। मेरा नन्ना, मेरी जान नन्ना, मेरा सजीला नौजवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है, मैं उससे मुर्दा देख चुकी। कहती जो हूँ कि यूं ही होगा, सच ना होता तो ये बात मेरी जुबान से निकलती। उसने कहा, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ये ऐसे ही होगा, और अगर ये बात सच ना होती तो मेरी जुबान से ना निकलती। मैं ख्वाब देख चुकी हूँ, मैं सूली पे उसको लटकता देख चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ कि ऐसा ही होगा। तुम जो ये आस लगाए बैठे हो तो उसको कोई नहीं मारेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होकर रहेगा। अब्दुल्ला, लेकिन उसे सूली की सजा मिले क्यों, इसका जुर्म क्या है। हलावा, मेरे बताने की जरूरत है कि उसने खून किया है। अब्दुल्ला, हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी गैरत की खातिर, उसके लिए उसके सिवा चारा ना था। कौन कहता है ये खून नाजायज था। नहीं नहीं, इसने खून जलन के मारे किया है। मोहब्बत जलन नहीं तो फिर है क्या। मकतूल ने इसे आजार ना पहुंचाया था। मकतूल को उसकी महबूबा से मोहब्बत जो था, खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं। अब वो सारी बातें बता रहे हैं कि क्या वजह है, क्यों सजा मिली है, उसने खून किया है, कोई कहता जायज है, कोई कहता नाजायज है। वो कह रही है कि नहीं, उसने उसकी महबूबा को वो चाहता था, उसने इस जलन में उसको कहा। अब उनके जज्बात देखिए, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी उसको प्यार आ रहा है, कभी उस पर मोहब्बत आ रही है, और फिर वो बता रहा है कि खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं होती। लेकिन महबूबा ने मकतूल को मोहब्बत भरा खत भी तो लिखा था। देखा, सिर्फ कातिल का मसला नहीं है, मकतूल के पास महबूबा का लिखा हुआ खत था, महबूबा को उसका हक था। वो जुबैर की मंगेतर ना थी, जिसे चाहती पसंद था, यानी जुबैर सिर्फ उसको वन साइडेड लव, एक तरफा मोहब्बत कर रहा था। और किसी को ये तो नहीं पता कि फला मुझे चाह रहा है। उसने उस मकतूल को खत लिखा, वो उससे मोहब्बत करती थी। अब्दुल्ला, सिर्फ अपनों में से, अपने हम नस्बों में से मकतूल पर आया था और दूसरे मुल्क का बाशिंदा था, जुबैर के बाप काजी का मेहमान था। अब देखिए, असल बात ये नहीं कही कि वो दूसरे मुल्क से था, गैर था, और जुबैर के बाप का यानी काजी का मेहमान था। तो जाके गैर मुल्की, फिर गैर मुल्की के साथ मेहमान होना, तो कहा ये बातें कुछ कम थी। जुबैर के बाप का मेहमान था, और शराफत का ये कौन सा तौर था कि घर के नौजवान की मोहब्बत में कूद पड़े। अगर वो ना आता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वरगला ना लेता,
तो जुबैर अपनी मोहब्बत में कामयाब ना होता। अब वो ये सारी बातें पढ़ें, आप उनके जज्बात देखें, उनके मुकालमे देखें, बर्जस्ता है, रवां है, हलावा, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, पर लड़की ने इस वक्त तक खाना था अब्दुल्ला। इस बात का तो जुबैर को खदशा था कि कहीं वो इसके रकीब का काम बराबर की लड़ाई में तमाम ना कर। उन्होंने कहा कि ये जुबैर को पता था कि अगर लड़ाई हुई तो वो रकीब को ख़त्म कर देगा। अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि असल मामला क्या है। महबूबा की मोहब्बत में उसने कत्ल किया, किस तरह किया। अब उसके बाप ने फतवा दिया है कि उनको सजा दी जाए। अब वो चाहते हैं कि कोई भी उसको कत्ल ना करे, लेकिन होगा क्या कि जब कत्ल करने के लिए बुलाया जाएगा, एक इनकार करेगा, दूसरा करेगा, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि आखिर उनको कत्ल करना पड़ेगा। अब आप जरा एंड के पैराग्राफ को देखिए, ये बाकी आपने सारा पढ़ना है, रीड करना है बेटा। अब आपको अंदाजा हुआ है कि असल कहानी क्या है, इसमें क्या, इसमें जज्बात है, क्या ऐसा साथ है। ये सारा आपने कल रीड करना है, और रीड करने के बाद आगे देखिए, आप अपनी बुक का पेज 94 निकालिए। इसमें आप जब उसको लेने आते हैं तो क्या सीन चलता है, हलावा अब्दुल्ला है बजदा होकर रब्बुल आलमीन रब्बुल अजीम, इसे सूली देने को मिल गया, इसे सूली देने को कोई मिल गया। अब्दुल्ला बाहर जाता है, अफसर सराखों वाला दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होता है, बाकी साथ बाहर ठहरे रहते हैं, गली अंधेरी है। यानी फिर उसका बाप बुलाता है कि एक मुंतजर है, उसको बुलाओ। आखिर उसको कोई मिल जाता है और वो बुला लाते हैं, और फिर वो उसको जेल की कोठरी से लेके जाते हैं। अब हलावा के मुकालमे को देखिए, जो वो कहती है बेटे को बाप के हाथ तो सूली देने को है, यानी कोई नहीं मिलता, तो वो कहता है मैं खुद दूंगा सूली, मैं खुद इसको सूली पे लटकाऊंगा। दुनिया में कभी यूं भी हुआ था? अरे देखो तो मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है इस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़, यानी बाप उसको सूली देने पर लटकाना चाह रहा है और वो बाप के हाथ चूम रहा है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब, इसकी रूह को झट अपने दामने रहमत में ले लेना, इसे तड़पाना मत, इसे जल्दी ले ले, इसे जल्दी ले ले। हाँ मेरे बच्चे, अपना दम दे इसके लिए और ना तड़प, मर जा मेरी जान, मर जा मर जा। अब कौसे रहलत थम जाता, यानी जाने के लिए ना वो जो नकारा सा बजाते हैं वो रुक गया। हजूम में से गिरिया बका हुजारी का एक दिलदोज शोर उठता है और बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अब वो हलावा का रोना, उसके बाप को लेके जाना, इन सब में जज्बात की अकासी नजर आती है। वो दुआ मांगती है, अब्दुल्ला वो आ रहा है, औरत देख कातिल आ रहा है, उसकी रूह पर काली रात छाई। काजी दाखिल होता है। अब काजी क्या करता है कि काजी जब उसको ले जाने के लिए आता है वो अंदर आता है, और दाखिल होने के बाद वो क्या करता है, इंतहाई कुव्वत इरादे से काम लेकर संभलना चाहता है। गली में सुराखों वाले दरवाजे को देखकर रुक जाता है, कोई ही नजरों से उसे देखता है और फिर जोफ को संभालता, यानी अपने बुढ़ापे को संभालता हुआ आगे को चला जाता है। ईवान में आता है, मुड़ता है और सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। अब वो जगह जहाँ उसको फांसी देनी है वो वहां पे आया, आके सीढ़ियां चढ़ा और क्या किया, अंदर से जंजीर खुलने और ताले में कुंजी की आवाज, खुलने की आवाज आती है। अब वो उससे क्या किया, देखा जंजीर को देखा, और देखने के बाद कुंजी, ताले में कुंजी घूमने की आवाज आई। जरा देर में ऊपर की मंजिल की खिड़की में से उसका हाथ निकलता है और खिड़की को बंद करके अंदर से मुकफिल कर लेता है ताला, यानी वो नीचे को उतरा, फिर वो जो विंडो थी उसको बंद किया। हलावा, उसने दरवाजा बंद कर लिया, उसने अपने आप को बंद कर लिया, ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा, हम अब उसे कभी ना देख सकेंगे, कभी जिंदा ना देख सकेंगे। यानी इस पूरी कहानी में क्या बताया गया है कि बाप काजी है, उसने फतवा दिया है कि मेहमान को, दूसरे बाशिंदे को कत्ल करने के जुर्म में सजा दी जाए, हाउस का अपना बेटा हो, कोई सब जानते हैं, सब उसको सही समझते हैं, कोई उसको सजा देने को तैयार नहीं। आखिर उस बाप को अपने उस फतवे को पूरे करने के लिए अपने बेटे को फांसी देनी पड़ती है, और हलावा जो उसकी दाया है वो इस तमाम चीज़ को महसूस करती है, और वो बताती है कि आहा
अब हम दोबारा उसको कभी नहीं देखेंगे। कुर्तबा का काजी और दूसरे यकबाबी के, यानी उसमें से लिया गया। अब आपने इसका खुलासा देखना है, मश्क एक्सरसाइज पूरी करनी है प्यारे बच्चों। कल हम आपको इसकी मश्क करवाएंगे, आखिर में देखिए कि इस ड्रामे का खुलासा भी करना है। इसका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 3, 4, 6 ये आप लोगों ने याद करना है, लिखना है। और ये पहले वाले सवाल कल मैं सुनूंगी। कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो, आपको ना समझ में आया हो कि इम्तियाज अली ताज ने कैसा ड्रामा लिखा, ड्रामे के अंदर क्या था, ये सारी कहानी क्या है, आपको ये क्लियर हो गई होगी, आपने इसको कल याद भी करना है और लिखना भी है, कल मैं आपसे सुनूंगी। एनीथिंग, कोई नई बात प्यारे बच्चों? बेटा रिस्पॉन्स तो दिया कीजिए ना। डियर स्टूडेंट्स, बेटे रिस्पॉन्स दीजिए। नो मिस। कुछ समझ में भी आया मेरे बच्चों? यस मिस, आ गया। आ गया? या मैं ही बोलती रही, मैंने आपसे इसलिए नहीं पढ़वाया। आपको जज्बात का एहसास का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज है, क्लियर है। अगर अभी भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नो मिस, आ गया। क्लियर हो गया बेटे? इसको अच्छी तरह करना है आपने यार, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, इसकी सलीस भी आती है, लेकिन इसमें देखिए हम कल इसमें जो हमारे हरूफ और अल्फाज हैं उनकी रेपिटेशन को देखेंगे। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ, और कोई पूछने वाली चीज नहीं है, ठीक है? आप लोग अब अटेंडेंस लगवा दीजिए मुझे। जी अक्सा शेख,